ऐसा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। आई डोंट नो ये कौन सा टाइम है, पता नहीं, जब ये वीडियो बनाई है तो उससे एक दिन बाद आप देख रहे हो या एक साल बाद देख रहे हो या 10 साल बाद देख रहे हो। दिस इज गौरव टू एज। आई डोंट नो इस वक्त मैं क्या हूँ या कहाँ पे हूँ, बट जिस वक्त ये मैंने वीडियो बनाई थी आई वॉज लव्ड बाई ऑल ऑफ यू, सो आई कांट शो यू माई ग्रेटिट्यूड। बट चलो फिर से तुम्हें ले चलता हूँ मैं, आप भी और ये हमारी क्लास के पढ़ने वाले बच्चे। हेलो डियर टीचर्स एंड टीचर्स और तो लग नहीं है ना कहाँ लग। हेलो आई एम यशिका। हेलो आई एम भारती। हेलो आई एम रशिप। हेलो आई एम स्माइल। पारू सलाम। आई क्रिएशन ईशान सूद। 3 साल हो गए, नाम बताओ मम्मी। हाँ पहले अपना नाम बताओ। इट्स माय रज्जो रज्जो डार्लिंग। प्रदेश गोस्वामी कैपिटल एंड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स माय सेल्फ राहुल शर्मा शिवानी शिवानी। हाय आई एम साक्षी सूद। मैंने नहीं करना शिवानी। हेलो आई एम शिल्पांजलि। हाय आई एम रुचिका ठाकुर। प्रिया दीक्षा शर्मा। शीतल हिमानी। शीतल तभी झूठ बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ इनके नेम क्या क्या रियल में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका नाम क्या है मुझे रुचिका का नाम तो हमने रखा नहीं है कुछ। ये है हमारी खालिका, गौरव ने जो नाम रखा हुआ है। और ये हमारी सूद साहब, नॉट सूद साहब, ये सूद साहब। स्कूल फ्रेंड्स मेरे कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, मुझे नहीं मिलते। नहीं यार, हाँ क्लासमेट से बात जरूर करते हैं एफबी में व्हाट्सएप में, पर क्या बोलते हैं मिलने के लिए मैं कोई बोलते नहीं है कि चलो मिलते हैं। एक ही फ्रेंड से मिलती हूँ, कई बार देखना सिर्फ मिल पाती हूँ। काफी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं आज भी और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो मोमेंट्स हमने जो टाइम हमने स्पेंड किया था स्कूल्स में तो याद आता है आज भी। नहीं अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है स्कूल फ्रेंड्स, मेरे सभी कॉन्टैक्ट्स में हैं, बट एक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है शिल्पानी जो अभी मेरे साथ ही है बायोटेक के लिए। मेरी बस एक फ्रेंड है मेरे कॉन्टैक्ट में, बस श्वेता। मेरे कॉन्टैक्ट में तो कोई भी नहीं है स्कूल में बस यहाँ के जो बने अच्छे फ्रेंड बस वही है। मिलते जुलते रहते हैं, हमारा ग्रुप है, हम बड़ी सारी चैटिंग करते हैं, चैटिंग मिलते भी है जब हम घर जाते हैं। हाँ मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और जब भी कोई पार्टी होती है हम सारे मिलते हैं और साथ में हम न्यू ईयर भी इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं सोरमन बिहार में और सारे टच में है मतलब। हाँ सभी हैं, सभी फ्रेंड्स अच्छे हैं। और जो भी वीडियो बनाई मैंने तो वो नर्सरी से पढ़ते हैं मेरे सारे दो नर्सरी। मेरे फ्रेंड बहुत यूनिक एंड लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल मनीषा। गौरव कभी कोई मिल जाए तो नहीं कभी कभी वो फॉरएवर ही रहेंगे। नहीं ये तो रहेंगे जब तक है जान, जब तक है जान है ना, जब तक है जान। जी हाँ कब तक रहने बताओ भाई। कॉलेज फ्रेंड तो हमेशा याद रहेंगे यार, क्योंकि
कॉलेज एक ऐसा लेवल है जो आपको यहाँ से लेकर इस लेवल के ऊपर जो भी आप पहुँचते हो वो ब्यूटी कॉलेज, और हमेशा रहेंगे कॉलेज फ्रेंड को। यस, मैं तो हमेशा रहूँगा, बाकी तुम कर ऐसे तूने बोला मैं हमेशा रहूँगा, मतलब हम तेरे को रखेंगे, तू रखेगा कि नहीं, नहीं पता। कॉलेज फ्रेंड्स आई बिलीव कि होने तो चाहिए, बाकी होने तो चाहिए बाकी, मतलब खुद से हम इस वक्त ऐसा सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट में होंगे, बट बाकी यू नो कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ नहीं बोल सकते। नेम्स बिकम्स कॉन्टैक्ट नंबर से टेलीफोन, आई डोंट वांट दैट, बट से इतना नहीं है, स्कूल फ्रेंड जो थे वो बेस्ट। कॉलेज फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, डिफरेंस होता है कॉलेज और स्कूल फ्रेंड्स में, बट फिर भी जब तक व्हाट्सएप नंबर चेंज नहीं होता तब तक सारे कॉन्टेक्ट में मिले, व्हाट्सएप में तो रोज ही मिलते रहेंगे और ऐसे कभी रास्ते में मिल जाएंगे। आपकी शादी रेगुलरली, मेरी शादी में मेरा शादी होगी तो फिर सभी इकट्ठा होंगे, दो बाद में भी जाओगे, कोई भी नमीने तक भी तोड़ जाते हैं। बहुत अच्छे थे यहाँ के फ्रेंड्स, काफी अच्छे थे, स्कूल से भी अच्छे मिले यहाँ पे फ्रेंड्स, कुछ कहीं खट्टी आती है या कुछ मीठी आती है, दोस्ती होती है ना, जो फ्रेंडशिप होती है ना वो दूर से जो हमारे नेचर था ना वो। जब मैं बायोटेक में आई तो सबसे पहले मेरी फ्रेंड, मतलब हम साथ थे तीन, मैं और साक्षी और ये रुचिका, हमने सोचा अभी इसकी थर्ड फ्रेंड है वो पता नहीं कैसी होगी, खाने वाली होगी या नहीं होगी। तो उसके बाद जब थर्ड फ्रेंड आई तो मतलब इसके साथ हमारा अच्छा रहा, मतलब खाने पीने वाली बंदी थी ये भी थोड़ी, थर्ड फ्रेंड साक्षी सूद, हाँ साक्षी सूद। फिर हमें लगा ठीक है ये भी हमारी पार्टनर है, ये भी बंदी खाने पीने में अच्छी रहती है। उसके बाद हमारी पीजी आ गई, हमने बड़ा इंजॉय किया और बड़ा कुछ खाया। मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा ऐसे ही, अभी कॉलेज में आके नहीं मिलते, हम एक दूसरे से बाद में क्या मिलना। मैं मिलूंगा ठीक है, ठीक है मैं भी मिलूंगी, ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो हम मिलेंगे, और कॉलेज का भी मतलब बोल सकती कोई मिलेगा मुझे नहीं आती यार। साक्षी एक मंथ बचा, इसके बाद हम सारे पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, देखते हैं कब तक रखते हैं फ्रेंडशिप, जब तक है जान तब तक रहेंगे कॉन्टेक्ट में, जब तक व्हाट्सएप में है सभी के नंबर भी नहीं है, मैं भी जब तक है तब जान बोल यार, जब तक है जान सभी ठीक है। तो फिर ये 10 साल बाद भी यहीं पे रहेगी, वीडियो देख लेना। हमेशा हाँ कॉन्टैक्ट में उनको रखेंगे, अब बाकी तो मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन से भी अपने अपने उसमें चले जाएंगे, बट फिर भी टच में रहेंगे। इंटरेस्ट रियली मुझे नहीं, मुझे पता कि शादी ऐसे में कि पक्का नहीं था, हमारा पक्का नहीं था बायोटेक में ज्वाइन करना, इंटरेस्ट नहीं था बायोटेक करना है, बट मैंने फिजियोथेरेपी करनी थी, बट आना पड़ा यार, किस्मत यहाँ पे थी। मैंने सोचा ही बायोटेक था करने के लिए, पहले मैं शोनली में एडमिशन ले रही थी, बट फिर मेरे ब्रदर ने बताया कि हाँ धर्मशाला में भी है बायोटेक, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे एडमिशन ले ली। मुझे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स में है। मैंने तो ऐसे ही ले ली बायोटेक में, जस्ट मिल गई तो आ गई, और तो कोई मेन मोटिव था नहीं बायोटेक में आने का। भैया वगैरह ने बताया यहाँ पे बायोटेक है, और भैया वगैरह ने बताया यहाँ पे बायोटेक है, और अच्छा मैं भी आ गई, फिर बाद में पता चलो टीएमटी का टेस्ट दिया ठीक है, उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं हुआ। सुनने में आया कि यहाँ पे बायोटेक करो, हाँ साक्षी की कॉल आई कि बायोटेक बड़ी अच्छी है, उसके फॉर्म भर दो। फिर मैंने नेट में देखा वाओ यहाँ पे तो बहुत सारे स्कोप है, मैं इतनी खुश हो गई। उसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट सीट मिल गई मुझे, मैं आ गई, मैंने सुनाई बातों में ठीक है। मैंने बायोटेक इसलिए दी क्योंकि मेरा मन था बायोटेक करने का, मुझे साइंटिस्ट बनना है। बायोटेक बहुत बड़ी भूल थी, कहीं और एडमिशन नहीं मिला। मुझे टीचर्स ने बताया कि यहाँ पे बायोटेक है, बायोटेक का थोड़ा सर्च किया तो अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे को इतना अच्छा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, जहाँ इतनी ऑसम फ्रेंड्स मिलेंगे, इतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
बहुत अच्छे इन्वायरमेंट मिले इस कॉलेज में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, स्पेशली कि मतलब इंट्रैक्शन बहुत अच्छी हुई. जैसे मेरी स्कूल लाइफ में ऐसी इंट्रैक्शन किसी के साथ भी नहीं थी. ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मतलब क्योंकि मतलब होता ना एक लुक्स वाइज ठीक है, तो मतलब ये मुझे पसंद नहीं थी. तो ये हम लैब में बैठे थे, ये इसने फर्स्ट बेंच पे बैठे होना एनसीईआरटी बुक खोल ली होड़ी, रट्टे लगा रही होड़ी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं. लेकिन फिर जैसे मतलब यू नो, तो जैसे तुम लवर्स बन गए थे पक्के वाले. तुझे ये, अरे मैंने पहली बार ये देखी थी, इसने चश्मा लगाया था, तेल डाला था, चप्पू बनी थी दो चप्पू. तो फिर मैंने देखी, मैंने ना इसने जब परसेंटेज बोली, हाँ जी बोला मनीषा चौधरी कौन है, बोला कितने परसेंट मार्क्स, बोला ये बड़ी एटीट्यूड से भी 83% मार्क्स. मैं सोची ये पटानी पड़ेगी, मैं सोची ये पटानी पड़ेगी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. मैंने इसे हाई किया, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, हेलो ठीक है, ये अपने कहीं बच्ची हो सेकेंड टाइम. जब हमारी यूनिटी इसलिए हुई है क्योंकि हमने अनु मैम निकाल हमारी यूनिटी हुई है सभी की, तो बस बाकी सारे मतलब ठीक थे. अच्छा ही था, पर फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि मेरी फ्रेंड स्माइल होती थी और इसलिए स्माइल होती थी. फिर जहाँ भी जाना हमने और साथ में जाना मैंने स्माइल ने. और फिर सेकंड ईयर में कुछ और फ्रेंड्स बने, सीनियर्स अच्छे थे, बीसीए वालों के साथ ज़्यादा घूमती रहती थी मैं, बीसीए वाले बहुत अच्छे थे. फाइनल भी अच्छा ही था मेरा, फाइनल अच्छा. मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, शुरू में इतने फ्रेंड्स नहीं थे बट आते आते बड़े सारे फ्रेंड बने. नेक्स्ट में मुझे मेरे चार फ्रेंड्स मिले, शिल्पांजलि, साक्षी सूद, साक्षी शर्मा एंड दीक्षा शर्मा, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बने, बहुत क्लोज उनके साथ. मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठीक था. मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल और शिवानी, शालिका, बस. तीन साल का एक्सपीरियंस अच्छा था, ठीक ठीक था मतलब मेरा भी. फर्स्ट ईयर में तो ऐसे बोरिंग बोरिंग सा, सेकेंड ईयर में सारी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, बहुत ही अच्छी बेस्टी. और बाकी शिवानी, प्रिया वगैरह सब बहुत अच्छे फ्रेंड बने और मिस करूँगी मैं बहुत अपनी पूरी क्लास को. हम भी पीजी गैंग मिस करूँ, पीजी गैंग, हिमानी, स्माइल गैंग, सबको. अरे हम घूमने बहुत जगह गए हैं, हम बहुत घूमने गए हैं क्योंकि कॉलेज में तो कभी ट्रिप बना नहीं, तो हमारे अपने खुद के ट्रिप काफी बने हुए हैं. जब ये गाड़ी इसको पता है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने करनी है थोड़ी. अच्छा था, कुछ भी मतलब बड़ी सारी मोमेंट्स हैं, हम साथ में घूमते थे, बहुत कुछ खाते थे, मतलब हम बड़े बड़े बहुत कुछ मैंने खाया. मोस्ट मेमोरेबल रोज ही होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाना जो भी दिख जाए, बस एक गाड़ी में ही चला हुआ. तो ऐसे खोपचा बीएस और वो मैक लोगा सबसे पहले तो गौरव की गाड़ी को मिस करूंगा, गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी के बिना मैं तो हिलता भी नहीं था, तुम लोगों को पता है. गाड़ी पर तुम लोग गाड़ी लाते थे तो प्लान बन जाता था. और यही तुम लोगों की वजह से यार कि ऐसा है कि आज तक हमने घूमने का कोई कोना छोड़ा नहीं, अब तो ऐसा है कि घूमने की जगह नहीं है कोई भी. और बाकी खोपचे को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करूंगा, जो समोसे जो तोड़ के देते थे मेरे लिए, वो काट के स्पेशल. और जो हमने होली मनाई थी फर्स्ट ईयर में, उसका सेकंड ईयर में, और अब फाइनल ईयर में भी हम फ्रेंड्स के साथ गॉसिप. गौरव, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप. मेरा सबसे अच्छा होली वाला और सबसे बेस्ट वो जो मैंने डांस किया था, वो जो हमारे ग्रैंड सीनियर था, हां हां वो तो धूम तरह पहली बात है जो पीएस में मैं और अमित तेरे को और विदेश पर रहते हैं, ठीक है. फिर अगली बात है नितेश हर जगह मार सकता है, और जो भी दोस्तों के साथ घूमेंगे वो हर चीज याद रहेगा. तो इसको जवाब दे अब पी एस का. सालवेशन आर्मी स्टीव ऑस्टिन है, किस हमने इनको मारा तो था. हमें दया नहीं, हमें सगा मेरा पर्स में फोटो करने धागे खोल देते थे हम इनके पर धागे. और मैं रफ भी होता था एक भी गेम निकले आज तक. बट
नाम दिख रहा है ट्रिपल एच एंड स्टीव ऑस्टिन ये देखो यू कैन सी फ्रॉम माय हार्ट आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थैंक्स प्रूव है तेरे पास सबूत कोई कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार बस स्टैंड का बड़ा अच्छा रहा और दूसरा इधर आ गए थे तब और तीसरा वाला होली वाला सबसे बेस्ट रहा है हां होली CSCA का फर्स्ट सेमेस्टर वाला फंक्शन जोकर जोकर हां उसमें जोकर बना था उसमें ये पढ़ लेना भाई पढ़ लेना क्या देखा जा रहा है क्या देखा जा रहा है ओ पुरानी यादें ताज़ हो गई यहाँ पे देखी कंप्यूटर लैब साल की भी होली पिछले साल की भी उससे पिछली वाली फर्स्ट वाली सबसे बेस्टेस्ट थी रूम्स में साथ में हमारा हम तीनों साथ में रहते थे वो सबसे बेस्टेस्ट पार्ट मेरा अगंजर महादेव का जब साक्षी सोत पानी में नीचे गिर गई तो कोई इसको बचाने के लिए आगे नहीं आया और होली का भी बड़ा सही रहा होली का भी काफी अच्छा था बस और हम मस्ती करते थे इकट्ठे पानी में गिर गई थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ और मैं दूसरे पत्थर में थी कोई इसको बचाने नहीं आया मुझे बचाने रहा था मुझे बचाओ मुझे बचाओ अगर वो पत्थर नहीं होते ना मैं गई थी बता साक्षी जब मैं ऐसी नीचे बचाओ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए मेरा नाम नॉमिनेट हुआ कितना डायलॉग बोल रहा है थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट ऑफ द ईयर हमारी कोई बात नहीं आई इसको नहीं नहीं ये तो एक्चुअली क्या होता है ना हर इंसान की या हर ह्यूमन बींग की दो बाजू हैं और मैं जो ये बहुत प्राउड और गर्व के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम तीन भाई हैं हम चार भाई हैं और मेरी चार बाजू हैं मेरी चार बाजू हैं अरे ऐसे नहीं मेरी चार बाजू हैं चार भाई हैं ना एक तेरी बाजू एक ये और ये ऐसे शुक्र है पांच नहीं है साक्षी शर्मा जब साक्षी सूद के वहाँ पे गई पापा यहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे सीढ़ियों में नीचे गई बोलती आ आ आ गोल गोल जाके नीचे गिर गई सुपर बड़ी बड़े हाल से और वो खोपचे में जाके मैगी खाना और सबसे आगे होने के बावजूद भी लड़के हमसे आगे पहुंच जाते थे मोमोज खाना नीचे जाके ठीक है और पैसे नहीं भी होना फिर भी टारगेट के आ जाना और बस गोलगप्पे खाना गोल बेस्ट गोलगप्पे खाना हर को राहुल और अमित ने धोखा दे दिया था मैं ईशान बचे थे याद है चाय वाली फोटो हम तीनों अकेले ही गए थे That was in the first trip. वो हमारा हमें पहला धोखा नहीं मिला था वो राहुल से राहुल हमें बहुत धोखे दे चुके इस मामले में पर चलो क्या करना धोखा नहीं दे तो सच बोलता हूँ लेकिन बड़ा भाई समझ के हम मैं धोखा कभी देता नहीं दिल से लेकिन उनको पता नहीं क्यों धोखा देता मैं तो सच बोलता हूँ हमारी फर्स्ट ट्रिप थी जिस दिन अगर गाड़ी में बात करूँ तो उस दिन हम कहीं जा रहे थे मशरूम जा रहे थे बट बारिश बड़ी ज़्यादा थी तो गगल तक गए थे वापस आ गए थे हाँ गगल तक गए थे हमें प्रोटेक आए थे और उसके बाद तो कई बार कहीं घूमे हुए हम बहुत ज़्यादा घूमे हुए कई स्पेशल मेंशन साथ में थे तो हमारे लिए वही सबसे बेस्ट मोमेंट है और बाकी तो कॉलेज एक्सपीरियंस तो अच्छे होते हैं अगले पांच साल बाद सभी से पूछना मेरे से पूछना ये क्वेश्चन नहीं नहीं तुम पूछो ले ऐसे लिखते हैं बीच पे आ जाएगी मैं अगले नाम है किसी कंपनी की सीईओ अच्छा
एक्चुअली मैं अगले 5 साल बाद अगर इमेजिन करूं तो मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे होने वाली हूं। ओ पता थोड़ी है, साला शादी होगी, बच्चे होंगे, मैं साथ में, और क्या होगा। 10 साल बाद पता नहीं कहाँ शायद जॉब कर रही होगी। क्रिकेटर पता नहीं अभी क्या होगा। खेल रही होंगे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप खेल रही होनी है। जॉब अभी तक तो मतलब ऐसा लगता है कि जॉब करी होगी, पर मे भी शादी वगैरह होगी होगी। और 10 साल बाद मैकलो में मिलेंगे दोबारा। मेरा पर्सनल, मैं एक बार ट्राई करना चाहूँगा कि शायद आई होप कि क्रिकेट में फ्यूचर है। आई थिंक सो, एक बार और ट्राई करना चाहूँगा, उसके बाद आगे नहीं होगा। इवन बार्च आफ्टर 5 इयर्स एट बॉलीवुड मूवीज अभी सक्सेसफुल पर्सन, एज अ सक्सेसफुल पर्सन, फिर भी टच में हो गए तो। हां टच में हम मैरिड हो गए होगे कहीं तो ना। टच में है अभी भी, टच में है बस, ये तो शादी करते हैं फाइट के बाद। सच में? हां सच में वुड बेन के लाइफ का लेके जाती है। या तो मैं म्यूजिशियन बनूंगा या तो नॉवलिस्ट राइटर, या तो कहीं कर रहा होगा क्या। बट 5 से 10 साल बाद मैं ये वीडियो जरूर देख रहा हूँ और वहाँ पे फिर शायद ऐसे बैठा होगा। लाइफ का तो पता नहीं, पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैं कुछ बहुत अच्छा करने वाली हूँ। और बस बस मैं कुछ बनू या ना बनू, लेकिन ये जो मेरा भाई है ये बॉलीवुड में जरूर जाएगा। और ये जो मेरा भाई है, जो आप स्टार स्पोर्ट में होता था ना जतिन सब, वो बनेगा ये। और ये जो बैठा है, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है गौरव, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा ऑथर बने। सपना तो मेरा ये भी है कि सिंगर बने, लेकिन कुछ भी बने बेटर, दो में से कोई ना कुछ बने। प्लीज सिंगर मत बन जाना, और कुछ बन जाना, तू मल्टी टैलेंटेड है, कुछ और बन जाना, सिंगर मत बन जाना। अभी मुझे इसके एक गाने की याद आ रही है, रुक, मैं हूँ जिया, कैसे होगा, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर टीचर्स में मैं कौर मैम का नाम लूँगी सबसे पहले। बहुत 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 मोटिवेटेड हैं वो मैम, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है उन्होंने मेरे को हमेशा से, तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर कौर मैम। और पाल सर भी, सभी उस समय सभी बेस्ट हैं, सभी अपने वे से बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा आज तक कोई फेवरेट टीचर नहीं रहा, बट सभी अच्छे लगते थे, सारे इक्वली अच्छे लगते थे। और श्वेता मैम भी बहुत अच्छे हैं, तो शाला मैम फाइन के लिए याद करूँगी उनको। स्पेशल मेंशंस बड़े अच्छे फ्रेंड्स मेरे, जैसे दीक्षा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फर्स्ट ईयर, शिल्पांजलि, हिमानी, यू ऑल्सो, और यू नहीं इसके पता है कौन यू, गौरव ऑल्सो, बहुत अच्छे जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। आई क्रिएशंस ने वीडियो डाली है, प्लीज डू वॉच इट, एंड द वीडियोस नेम इज दिलदारिया, 1K व्यू मिल चुके हैं। बायोटेक के अलावा मुझे मतलब मेकअप करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, और चैटिंग करना अच्छा लगता है, और न्यू ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है। हम मतलब लोगों के शॉप्स की तारीफें करते रहते थे, फिर वो शॉप्स बंद हो जाते थे। लास्ट बार है क्या बोलना किसी नीरज के तेरे बात है। स्पेशल मेंशंस टू माय ब्रदर्स गौरव, निशान, नूर एंड राहुल, माय बिग एल्डर ब्रदर, और अमित, ईशान, कौंडल, अभी शांड हमें मिलेगा इसके बाद, और पीयूष, बस पीयूष, ये सब ना बहन ना तलब है। मैं शाम भाई से, सॉरी प्रदेश भाई से सहमत हूँ, ऑल द फ्रेंड्स आर स्टे टुगेदर, और सब फ्रेंड्स को मिस करूँगा। अमित, इस डॉक्यूमेंट्री में तू नहीं है, बट सीरियसली बिलीव मी, हम बड़ा मिस करते थे। तू नहीं है पर इस डॉक्यूमेंट्री में ईशान है।
और पीयूष और ईशान कोंडल। अमित की मम्मी के लिए ठीक है। ओए खापनी खापनी क्या यार गोज़ मम्मी यार तू क्या क्या बंदा है क्या बंदा है क्या यार ईशान। और एक चीज मुझे याद आ रही है, मैं कल परसों अपनी ड्राइंग्स निकाल रही थी तो उसमें जो गौरव की बनाई हुई बड़ी सारी ड्राइंग्स थी तो मैं उसमें मैंने नीचे मेड बाय साक्षी क्योंकि उसमें पेंटिंग मैंने करी इसलिए ड्रॉ करा वो इसलिए उसको मैंने अपना नाम दे दिया। फिर मैं वो देखी थी सारी पेंटिंग पेंटिंग ये की बात हुई पेंटिंग ड्रॉ मतलब ड्रॉ मैंने किया तूने बस चित्र लिया तूने खराब किया बस। सबसे ज्यादा इंप्रेशन सबसे ज्यादा फ्रेंडली राहुल जाए हां द बेस्ट राहुल ओए डायरेक्टर मैं उन्हें मैं काट दूंगा इसको बहुत अच्छी तरह इंप्रेशन है ये फॉर लविंग मी। जैसा कि मैं बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं लेकिन जो मैंने अपना मोस्ट मैक्सिमम जो टाइम मतलब बिताया है वो इनके साथ बिताया है। सो रो बड़े यार रुको अभी और भी है गौरव के अलावा हमारी क्लास में तीन बॉयज और हैं। राहुल शर्मा प्लीज कैमरा देने राहुल शर्मा और से मैं राहुल की एक्टिंग वगैरह मतलब क्यों की तूने एक्टिंग और राहुल का मेरी वीडियो में तो करता नहीं रंग राहुल की काला चश्मा कभी छोड़ता नहीं कभी भी नहीं भूलता राहुल तो ऑसम लगता है इसमें वापस कर। और एक और अनितेश जंगली वो भी और से मैं और ईशान सूद हमेशा चुप चुप रहता है जंगली जंगली का ईशान सूद चुप चुप रहने वाला कम बात होती है उससे बट सभी बॉयज ऑसम है। कुछ नहीं कुछ नहीं बोलना तो मैं स्कूटी के लिए बड़ा ज्यादा मिस करूंगी इसके साथ जो स्कूटी पे गेड़िया मारी है बहुत ज्यादा मेरे लिए हमेशा कंगल चौक जाती है। हाँ चारों मेरा सबसे ऑसम है क्लास में सबसे ज्यादा मतलब धमाल मचाने वाला पकौड़ा इसको भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे। मतलब बच्चे अच्छे नहीं मिले इस बैच में सारे ठीक थे बोलते यूनिटी नहीं बट वो थोड़ा ना क्योंकि देख हमने बायोटेक किया ठीक है वो हमने अगर इकट्ठे होते तब भी हमने वैसे करना था अलग होते वो भी हम वैसे मतलब अपना एंजॉयमेंट अपनी पढ़ाई में वैसे कि हम किसी को बोल नहीं सकते कि वो अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था हमने एक दूसरे को भी मतलब उसके मतलब अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं कि हमने कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया। मनीषा बड़ी अच्छी लगती है बड़ी वाइज टाइप की वैसे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनोसेंट टाइप के है ना अजीब से कामनेस है इसमें और ऐसे नहीं ऐसे तो कोई सोचेगा कि इतने वाइज नहीं होगी लेकिन जब बोलती तब इतने वाइज मुझे तो पहले बोलते सी आर होती थी तब ना तो अभी हाँ मतलब ये जब 10 साल बाद हम देखेंगे तब तो ये हमने सी आर तो उस टाइम से बोला ना कि तुम बच्चे को कंट्रोल भी नहीं करते मैम बोलो शायद ना ये बच्चे हैं कोई पसंद आया था। और गौरव के बारे में बोलना चाहेंगे हम ये जो गौरव वर्मा जिसने हाथ में कैमरा लिया और वीडियो बना रहा है ऑसम है बहुत ज्यादा टैलेंट है इसमें इसकी वीडियोस देखना बहुत ही ऑसम है गौरव क्रिएट्स में और बहुत मोटिवेट करता है सब कुछ बेटर ऑसम है हर वे से गौरव दो बार डालूंगा मुझे गौरव बहुत क्यूट लगता है इसकी स्माइल बहुत क्यूट है और बहुत ही स्वीट है और इसकी कम्युनिकेशन और बहुत इंटेलिजेंट है तो मुझे गौरव के साथ बात करना भी अच्छा लगता है मतलब कि बाकी बॉयज की तरह नहीं है डिफरेंट अच्छी चीज़ नॉवेल भी लिखा है अभी इसलिए मैंने वो पढ़ना है सबसे पहले मैं खरीदूंगी अगर पब्लिश हो जाएगा तो एक्चुअली मैं आज अपने फ्रेंड को एक याद करूँगा बहुत अच्छे फ्रेंड हैं काफ़ी कुछ सीखा मैंने फिर मैं हमेशा अपने किसी टारगेट में हमेशा फेल हो जाता हूँ बहाने लगा देता था कि आज ये नहीं था आज वो नहीं है या यूट्यूब समझ लेकिन वो फ्रेंड मेरा कैसा था वो मुझे हमेशा बताता था कि जिंदगी है ना ये बहाने से नहीं चलती मतलब अगर आप आज कोई बहाना लगा दो तो उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते। मैं वो दोस्त और कोई नहीं मेरा गौरव है और काफ़ी कुछ सीखा मैंने इससे काफ़ी कुछ अच्छी बातें और डियर डैड इट्स ऑल अबाउट मी ये मतलब मेरे को मेरे पास है गाना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को और मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे मेरी वो है हाँ वो भी बड़ा अच्छा वो
बेस्ट है जो हमारी बीड़ी में इतनी अच्छी सारी चलो बहन जो रिसेंटली तूने बनाया था वो भी बहुत अच्छा था जो रिसेंटली अभी लास्ट टाइम इसी सॉन्ग में मुझे इसकी वॉइस अच्छी लगी गाने में इसकी आवाज ही नहीं आती हां मेरे को बहुत सही गाना Do you want to say इस गाने में तेरी आवाज ही नहीं लगती वो अब अच्छी लग रही तुम्हें I'm beginning to feel like a rap god. ये नहीं डालूंगा नहीं नहीं डालूंगा अरे कसूरी का मतलब गौरव दोस्त नहीं नाम भी बताओ सीक्रेट सेंड दो बड़े गौरव दोस्त की कसम झूठ बोलती एकदम झूठ नो 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 क्योंकि बनाने से नहीं बन गए हिमानी ठाकुर बड़ा मजा आया तुम्हें शूट करके थैंक यू बड़ा मिस करूंगी मैं तुझे बहुत ज्यादा मिस करूंगी मैं तुझसे ज्यादा करूंगी यार oh यार ये हम बता रहे हो और ये कुछ चक्कर के मेरे मेले में पिछले दो बार मिले आ जाओ नहीं बस वो जैसे बुला रहे थे टैक्सी कंट्रोल इमोशंस रोपड़ यार प्लीज रोपड़ तुम लोग का मेट्रो मेरे को बड़ा तगड़ा लगा सच में थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर सपोर्टिंग अस और जो आपने ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सॉरी आना मेहरबानी इट्स नाइस जर्नी टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच तुम भाग के रहे हो सपने थे सबकी आंखों में इंतजार था इस दिन का सालों से सवाल है अब बस बातों में कल क्या रखा हो वक्त ने हाथों में जिंदगी गले लगा लेना सबको ले जाना
चल राहुल एक कदम और, मैं फिर दौड़ता था, फिर थक जाता था, फिर अंदर दिल से आवाज आती, राहुल एक कदम और, एक कदम और, एक एक कदम करके मैंने ऊंचाई को हासिल किया। जय माता दी। राहुल सबसे पीछे पहुंचे क्योंकि ये सबसे धीरे चल रहे थे, उनका एक एक कदम 100-100 कदम के बराबर था। सबसे पहले तो सबसे लेट आना, मूड करे तो क्लासेस लगाना, वर्ल्ड फेमस थे बंक हमारे, टीचर्स को लगाना वो बहाना, कैंटीन जैसे दूसरा घर, लाइब्रेरी तो हमने कभी भी नहीं जाना, पहले डरना बात करने से पर फिर वो लड़कियां पटाना, रात भर वो चैटिंग करना, कल टेस्ट है ओ शिट डरना, क्लास के टॉपर्स से सड़ना, 5 मिनट्स में असाइनमेंट्स कॉपी करना, कैंपस में ही फेस्टिवल्स बनाने, हाँ शॉर्ट अटेंडेंस की बहाने, शायद वो हमारे भले के लिए थे बट हमने तो टीचर्स बनाने, फाइनल्स के लिए लास्ट नाइट पढ़ना और फिर साली सफलियां फंसना, इतनी मुश्किल से पैसे बचाने फिर बेमतलब के फाइन्स का डसना, गौरव क्रिएट्स के वो गाने जो उसने हमें जबरदस्ती सुनाने, वेडनेसडे को यूनिफॉर्म्स ऑफ होने लगे पढ़ना, लड़की ने फोटो खिंचाने। Can I get those moments back, please? मैं कुछ भी देके वो moments दोबारा जीने चाहता हूँ। Is that possible? For me, catch me, please. I wish yes. Bare yaara. सब कहाँ हैं और आई डोंट नो कि हम टच में हैं भी नहीं है या नहीं है, बट आई विश कि सभी अपने मुकाम में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए, या जो जो हमने डिजायर किया था वो सब हम वहाँ पे मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर